यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने से छात्र बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 10वीं में प्रियांशी सोनी ने तो 12वीं में शुभ चपरा ने टॉप किया है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी अमेठी की भावना वर्मा के चेहरे पर भारी परेशानी तैर रही है। छियानवे फीसदी अंक लाकर भी भावना वर्मा फेल हो गई है। भावना ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय दिलाने और इस मामले की जांच कराने की अपील की है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में अधिकारियों की लापरवाही से श्री शिव प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली भावना वर्मा का भविष्य दांव पर लग गया है। अब छात्रा बेहद परेशान है। दरअसल भावना का दावा है कि इस परीक्षा में उसे 96 फीसदी अंक मिले हैं, लेकिन फिर भी उसे फेल कर दिया गया है। भावना वर्मा के मुताबिक, मेरी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर बहुत अच्छे गए थे, लेकिन मेरे रिजल्ट में प्रैक्टिकल का नंबर जोड़ा नहीं गया। जिसमें हमें 30 नंबर मिला, उसमें सिर्फ 3 नंबर दिए गए हैं। छात्रा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर इस मामले में न्याय की मांग की है। सुनिए भावना वर्मा क्या कह रही हैं। मेरी थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल में 30 की जगह पे 3 नंबर दिए गए हर सब्जेक्ट में। क्यों, आपने प्रैक्टिकल दिया था? हाँ। कैसा हुआ प्रैक्टिकल आपका? बहुत अच्छा। तो क्या चाहती हो? कि मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वो मेरे अंक बढ़ाएं, जांच कराई जाए उसके विषय में। अगर अंक जुड़ा होता तो आप भी टॉप हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल, मेरा 96% बन रहा है। भावना के पिता शीतला प्रसाद वर्मा ने भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उसके पिता का कहना है कि लापरवाही की हद की गई है। यदि भावना को भी सही नंबर दिए जाते तो उसका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ सकता था। जी, मेरी बच्ची का नाम भावना वर्मा है और उसका प्रैक्टिकल में 30 का विद्यालय प्रबंधन ने अंक दिया, लेकिन वहाँ से क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से वहाँ 3 नंबर चढ़ा दिया गया है। नहीं तो हमारी बच्ची प्रदेश में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी आंकड़ा आता वो जरूर उसमें होती। छात्रा के सभी विषयों में अंक अच्छे थे, लेकिन प्रैक्टिकल का नंबर उसमें नहीं जोड़ा। उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड के अधिकारी जल्द ही इस बड़ी गलती को सुधार कर भावना का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।